तमाम दिमाग कैसना है अपनी बदनामी में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं नहा के आ चुका हूँ और यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं बहुत ही अच्छी लोकेशन पर। तो चलिए ये देखिए, बंदा अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और गाइज आगे दिखाता हूँ मैं, तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये कौन कौन जा रहे हैं हमारे साथ में। ये है हमारे रिंकू भाई जो हमारे साथ में नहीं जा रहे हैं, और इधर हमारे छोटू मतलब अंकित भाई, ये हमारे साथ जा रहे हैं, और ये छोटू अनुज ये भी हमारे साथ में जा रहा है, ए टू बाबा। तो फाइनल दोस्तों, मैं फुल पावर रेडी हो चुका हूँ और ये लोग आप चेक करना, सारे लोग रेडी हो चुके हैं। फिर चलिए अब सीधा चलते हैं, हम जा रहे हैं बहुत ही अच्छी जगह पे। कहाँ आज जा रहे हैं? टैटू बनवाने गाइस, और मैं बना के आऊँगा टैटू। और ये छोटू का लुक देखिए, ये चेक करिए, और इधर छोटू, और मेरा लुक चेक करना गाइस। मैं ऐसे जाऊंगा, ये देखिए गाइस मेरा लुक चेक करो, फुल पावर रेडी। हमारा लुक नहीं है ये, देखिए भाई भाई तबाही ये बंदे भाई, इनने तो अभी शर्ट भी नहीं डाली है, मतलब ये हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, ये हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। और इधर अभी फोटो, फाइनली गाइस रेडी टू गो। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। अब हम आ गए यहाँ पर बाइक स्टैंड पर। तो यहाँ पर हमने बाइक पार्क कर दी है, उधर छोटू बाइक पार्क कर रहा है, और इधर ये वाली बाइक हमने पार्क करवा दी है। तो गाइज अब इस सीधा यहाँ से चलते हैं फिनिक्स, यहाँ पर एक पास में हमारे मॉल है बरेली का, बहुत ही मस्त मॉल है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये फिनिक्स। तो ये देखिए गाइज, फुल पावर लॉन्ड है रेडी अपने। हाँ जरूर, एक फ्लोर ऊपर होना चाहिए। तो गाइज ये है अपना फिनिक्स मॉल। तो फाइनली गाइज मैं मॉल के अंदर आ चुका हूँ, और अभी आप लोगों को इधर उधर का व्यू दिखाता हूँ। गाइज ये बहुत ही मस्त मॉल है, यहाँ पर कभी आप लोग आना ट्राई करने। तो गाइज मैं इसकी लोकेशन आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए गाइज अब चलते हैं सीधा अपने काम से। तो चलिए पहले मैं कुछ आपको लेकर दिखाता हूँ। ये मिले गाइज हमारे लिए, हमारे एक बहुत ही बिछड़े हुए दोस्त। तो चलिए गाइस यहाँ पर चल रहे हैं फोटो शूट। और फिर गाइस सीधा हम आ गए यहाँ पर टैटू वाली शॉप पर, और यहाँ पर अंकित भाई टैटू के बारे में भैया जी से बात कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या बताते हैं भैया। और गाइस आप लोग टैटू की शॉप ये देख रहे हैं यहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों हम मॉल के अंदर ओके और सारा कुछ करके घूम भी आए, टैटू बनवाने गए थे, टैटू बन नहीं पाया। इसके बाद अब गाइज चलते हैं दूसरी जगह टैटू बनवाना है, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ टैटू बन पाता है या नहीं। और गाइज हमने यहाँ पर फ़ोन भी ट्राई किए जो आप लोगों ने पहले देखा, तो आप लोग ये चेक करिए मेरे साथ। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। और गाइस फिर सीधा हम आ गए यहाँ पर बटलर, और बटलर पर एक टैटू की बहुत ही फेमस शॉप है। तो चलिए अब वहाँ आपके लिए लेके चलते हैं, और फिर दिखाते हैं वहाँ क्या होता है, टैटू बन पाता है या नहीं। चलिए अब सीधा चलते हैं टैटू वाली शॉप पर, यह है टैटू की शॉप। चलिए अब भैया से अंदर जाके बात करते हैं। तो अंकित भाई हमारे अंदर पहुँच चुके हैं, तो चलिए अभी दिखाते हैं आप लोगों के लिए। और गाइस ये आप लोग साइड में देख रहे हैं टैटू बने हुए, ये सारे भैया का वर्क है, ये सारे टैटू भैया ने बनाए हुए हैं। और हमें भैया ने काफ़ी वीडियो भी दिखाई थी टैटू की, बहुत ही मस्त काम करते हैं। और ये है हमारे भैया टैटू वाले। और गाइस यहाँ पर भी हो गया पोपट, भैया बोले पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, तो भैया बोले कॉल करके आना, तो भैया ने हमारे लिए कार्ड दे दिया है। और फिर हमने यहाँ से उठा ली अपनी बाइक, और फिर सीधा आ गए एक रेस्टोरेंट में। आने वाला नाश्ता, थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, फिर उसके बाद में निकलना है। इनकी हालत चेक करो गाइस। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पर क्या नाश्ता करने के बाद में, कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद में हम निकल रहे हैं
कहीं चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ जाना है। और फिर हम आ गए सीधा घर, और घर आने के बाद में देखिए गाइस क्या मस्ती चल रही है। तमाम दिमाग कैसे ना है अपनी बदनामी में गुना खा रहा था हम 17 रुपया क्विंटल का आज खा रहा हूँ। और फिर हमने यहाँ पे की थी पंजाबाजी। देखते इधर हमारी रिंकू भाई खाना बनाने में लगे हुए हैं, चलिए दिखाते हैं क्या बनता है, क्या बनने आज। ये देखिए गाइस ये बनना है अंडे, अंडे बनना है। और हमारे रिंकू भैया बनाने में यहाँ पर पूरी हेल्प मतलब कोई नहीं कर रहा, रिंकू भाई खाली केवल खाना बना रहे हैं। हाँ जी की बे लग गया तेनू ये ब्लॉग, लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो, ते मेरे नवे ब्लॉग देखने लई नीतीश एन के 47 ब्लॉग चैनल जरूर सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।